Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you would be fine. As you can see on your screens, I'm here with a lesson that is related to rounding numbers. Students face difficulty in this lesson, so I have brought for you very easy tricks that would make this easier for you to solve the questions that are of rounding numbers. Okay, so let's begin our today's lesson. But before that, please subscribe to my channel if you are new, and like the video, share it with your friends, watch it till the end so that you won't miss any of the important points that I'll share in between. Theek hai? अच्छा जी बच्चों, बेसिकली हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 0 से लेके 9 तक के बीच में, ठीक है, और हमें उसे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10s, ठीक है. हम अक्सर ये देखते हैं, हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं या छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब हम वापस आते हैं हमसे पूछा जाता है कि आपने कितने की शॉपिंग की, तो आप क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज की, ठीक है, या आप कहते हैं कि हमने अप्रोक्सीमेटली की 450 की, हालांकि आपने कितने की होती है, 448 की होती है, लेकिन आप क्या कह देते हैं, 450 की. तो इसको हम कहते हैं कि अपने नंबर्स को इजी बनाने के लिए हम उनको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है. सो वी नीड टू लर्न द जनरल रूल कि हम किस नंबर को कब, कितना और कैसे राउंड ऑफ करेंगे. जब अगर हमसे कहा जाए कि आप इसको राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 10s. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विल यूज अ नंबर लाइन. वी हैव अ नंबर लाइन दैट इज बिटवीन 30 एंड 40. हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन? ऑफकोर्स 9 नंबर्स, बिकॉज फ्रॉम 0 to 10 वी हैव 11 नंबर्स. बट वेन वी से हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन 0 and 10, so we'll say there are 9 numbers, 1, 2, 3 till 9. Again, here you can see we have a number 34 and we need to find out where does it lie. ठीक है, 34 एक नंबर है हमारे पास, और हमें सबसे पहली बात ये बतानी है कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है टू द नियरेस्ट 10s. ठीक है, अगर 10s की बात की जाए तो इसका जो 10s का डिजिट है वो 3 है, यानी 30 है. तो 30 ऑफ कोर्स, 30 से बड़ा जितने भी नंबर्स होंगे वो 30 और 40 के बीच में लाए करेंगे, ठीक है, अगर हम डिजिट 10 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहां पर हमें ये पता लगाना है कि ये 34 नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो 30 बनेगा कि 40 बनेगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको जनरल रूल याद रखने की जरूरत है, एंड दैट इज इफ द नंबर यू आर राउंडिंग इज फॉलोड बाय 5, 6, 7, 8 और 9. व्हाट डज इट मीन? अगर एक नंबर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. फॉर एग्जाम्पल 35, दिस इज 36, दिस इज 37, दिस इज 38 एंड दिस इज 39. तो अगर नंबर्स हमारे पास 5 से शुरू होके 9 तक हैं, सो विल राउंड द नंबर अप. इट मीन्स लास्ट फिगर केप्ट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1. ठीक है, हम उस नंबर को 1 से बढ़ा देंगे. बट इफ द नंबर दैट यू आर राउंडिंग इज फॉलोड बाय 0, 1, 2, 3 and 4. From 0 to 4, if you are rounding up a number that is followed by 0 till 4, the number will go down. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5, 6, 7, 8, 9 है, तो हमारा नंबर अगला डिजिट बन जाएगा, और अगर हमारे पास 4 या उससे छोटा नंबर है तो हमारा नंबर पिछले वाले डिजिट पर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास डिजिट 34 था, अगर हम इसको देखें तो 35 से कम है ये, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो टू द नियरेस्ट 10s, तो ये क्या बन जाएगा, 30. ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक डिजिट है वो 38 होता तो हम जब उसको राउंड ऑफ करते तो वो क्या बन जाता, 40. ठीक है, तो 31, 32, 33, 34 जब भी इनको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10s वो क्या बन जाएंगे, 30,
बट 35, 36, 37, 38, 39 जब इनको राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 40। ठीक है स्टूडेंट्स, आई रिपीट, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, जो भी हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 34 था, तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इसके जो नियरेस्ट 10 डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, वो 30 हैं और 40 हैं, क्योंकि 31 से लेकर 39 तक के जितने नंबर हैं वो कहाँ लाए करेंगे, 30 और 40 के बीच में। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि इसका जो लोएस्ट 10th डिजिट है वो 30 है और जो हाईएस्ट 10th डिजिट है वो 40 है, तो ऑफ कोर्स ये इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि 34 30 से करीब है या 40 से करीब है, यानी अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10th तो ये 30 बनेगा या 40 बनेगा, तो हम ये देखेंगे कि वो सारे नंबर्स जो 1, 2, 3 और 4 हैं वो हमेशा पिछले नंबर को लेते हैं और 5, 6, 7, 8, 9 वो हमेशा नेक्स्ट नंबर को लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर एज 33 इज राउंडेड ऑफ टू 30 और 34 इज राउंडेड ऑफ टू 30। ठीक है, लेकिन अगर यही हमारे पास 35, 36, 37, 38, 39 होता तो हम यहाँ पे कहते 38 इज राउंडेड ऑफ टू 40। ओके ओके नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी हैव अ नंबर 135 तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि 135 टू द नियरेस्ट 10th किन दोनों नंबर्स के बीच में लाए करेगा, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 135, और 10th की डिजिट की बात की जाए तो 10th का डिजिट कौन सा है, यूनिट 10, 100, इसका 10th का डिजिट है 3। ठीक है, सो वी गोइंग टू डील विद दिस, ये नंबर 35 किन दो नंबर्स के बीच में लाए करेगा, ऑफकोर्स 130 और 140। So we have a number line where we are having numbers between 130 and 140. So we need to find out where is 135. 135 kin kahan par lie karega? Of course, it's the halfway out. Ye 135 hai. 131, 2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. तो हमें ये सबसे पहले पता चल गया कि 135 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 130 और 140, क्योंकि हम 10 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने इसका 10th डिजिट उठाया 10th की प्लेस पर से, तो हमें पता चला कि वो 30 है, और अभी हमने पीछे एग्जांपल की थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि 30 और 40 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उन सबको या तो राउंड ऑफ करके 30 बना देते हैं या 40 बना देते हैं, तो यहां पर भी 135 या तो 130 बन जाएगा और या 140 बन जाएगा। अब आप जो जनरल रूल था वो याद रखिए कि जो लास्ट डिजिट होता है हम उसको देखते हैं, वो क्या है यहाँ पर, वो 5 है, तो हमारा जो नंबर है वो राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 140। सो वी कैन राइट इट ओवर हियर एज 130 इज राउंडेड ऑफ टू 140, क्योंकि 5 से लेकर ऑनवर्ड्स 9 तक जितने डिजिट होते हैं वो सारे राउंड ऑफ होके नेक्स्ट 10th डिजिट में चले जाते हैं। ठीक है, तो 135 इज राउंडेड ऑफ टू 140। नाउ आई हैव अ नंबर 4598 एंड आई हैव टू राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th डिजिट। ठीक है, मेरे पास अब जो नंबर है वो क्या है, 4598। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, इनकी जो प्लेसेस हैं, यूनिट 10, 100 एंड 1000। ठीक है, सो वी हैव 4598, व्हाट इज द 10th डिजिट, इट्स 9। ठीक है, हमारे पास 9 जो डिजिट है वो है 4598, 10th डिजिट हमारे पास है वो है 9, और उसके साथ जो यूनिट है वो क्या है, 8, सो इट विल बिकम 98। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे तो ये आपके पास नंबर क्या बन रहा है, 98। अब 98 से बड़ा, 98 से छोटा 10th का डिजिट कौन सा होता है, 90, और 98 से बड़ा 10th का डिजिट क्या होता है, 100। ठीक है, 90 और 100 के बीच में ये लाया करेगा। अब ये है 4598, तो ये बात तो समझ में आ रही है 4590, लेकिन 4598 को 100 में राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो यहां पर आप इसको प्लस कर दीजिए, 4500 में 100 प्लस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4600। तो हमारे पास नंबर लाइन पर जो दो 10th डिजिट आएंगे वो बनेंगे 4590 एंड हियर वी हैव 4600। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में हमारे पास इस नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि ये 10 डिजिट्स हैं, ठीक है,
4,590, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 4,599, and what comes after? 4,600. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है 4,598, वो कहाँ लाए करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दिस इज द 4,598 डिजिट प्लेस. ये इसकी प्लेस है. और यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट कौन सा है? 8 है. तो ऑफ कोर्स इट विल बिकम 4,598 इज राउंडेड ऑफ टू 4,600. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 5 से बड़ा और 9 से छोटा है. तो ये हमारे पास नेक्स्ट डिजिट के अंदर चला जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू. अच्छा जी, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. इट्स ऑफ 10,000 डिजिट नंबर, 32,293. दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस एंड देन 10,000. ठीक है, हमें कहां तक राउंड ऑफ करना है? टेंस की प्लेस में. अगेन वी हैव अ 9. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दोबारा से 9 आ गया, 93. हमें इस डिजिट को देखना होता है क्योंकि हम जो राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं टू द नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो विल ओनली डील विद द 10th डिजिट. ठीक है, यहां पर हमारे पास 9 है तो ये क्या बन गया? 293. अगर आप इसके पीछे वाले 10th डिजिट पर जाएं तो वो क्या बन जाएगा? 290. और अगर इसके आगे वाले 10th डिजिट पर जाएं तो वो क्या बन जाएगा? 300. ठीक है, द रिमेनिंग नंबर विल रिमेन सेम, 32,290, 32,300. ठीक है, 290 के अंदर 10 अगर प्लस करें तो वो 300 बन जाता है. सो ऑन द नंबर लाइन वी हैव द फर्स्ट डिजिट एज 32,290 एंड द लास्ट डिजिट एज 32,300. ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए. यहां पर 32,293 कहां पर आएगा? ये है 91, 92, 93. दिस इज द प्लेस ऑफ 32,293. ठीक है, 294, 295, 296, 297, 298, 299 एंड 300. 32,300. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 293 कहां पे लाई कर रहा है? 290 और 300 के बीच में. ठीक है, जैसे कि 93 कहां पे लाई करेगा? 90 और 100 के बीच में. इसी तरह से 293 कहां पर लाई करेगा? 290 और 300 के बीच में. ठीक है, अब जब हमने यहां पर ये नंबर निकाल लिया कि ये किन दो नंबर्स के बीच में लाए कर रहा है टू द नियरेस्ट टेंस. ठीक है, इसका जो बिगिनिंग डिजिट है और जो इसका लास्ट डिजिट है टेंस डिजिट के बीच में, वो कौन सा है? 32,290 एंड 32,300. तो अब हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, दैट इज 3. अब वो 3 5 से कम है एंड इट इज अमंग 1, 2, 3, 4 एंड 0. तो हमारा जो राउंड ऑफ होगा नंबर वो क्या बन जाएगा? 32,293 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस एज 32,290. आई होप स्टूडेंट्स इट्स वेरी मच क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.